शारदीय नवरात्रि के आठवें दिन गोलघर काली मंदिर पर सुबह से मां के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही, जिसके संबंध में गोलघर काली मंदिर के पुजारी कृष्ण गोपाल सैनी ने बताया कि सोमवार को शारदीय नवरात्रि का आठवां दिन है। इस दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। महागौरी की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ सभी की मनोकामना पूरी करती है। यह मंदिर बहुत पुराना है। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ पर माता का पिंडी निकला था, उसी के आधार पर यहाँ पर काली माता की मूर्ति का निर्माण हुआ। हम लोगों की तीसरी पीढ़ी माता की पूजा कर रही है। हर साल नवरात्रि पर यहाँ काफी भीड़ भाड़ होती है। लोग 9 दिन व्रत रहकर श्रद्धा से माता की पूजा अर्चना करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोलघर काली मंदिर के पुजारी कृष्ण गोपाल सैनी ने कहा, कृष्ण गोपाल सैनी। मान्यता माता जी का है कि जो भी उनसे मुरादें मांगते हैं वो पूरा हो जाती है, और मंदिर बहुत पुराना है, ये कोई जानता नहीं है। जंगलों के ज़माने का माता जी का पिंडी निकला हुआ जमीन से, उन्हीं के आधार पर काली माता का निर्माण हुआ यहाँ पे। तो मंदिर कब का कोई जानता नहीं है। तीसरी पीढ़ी मेरी चल रही है। हाँ, तो नवरात्रि में हमेशा भीड़ होती है, हमेशा श्रद्धा होता है माँ का। लोग व्रत रहते हैं 9 दिन, और अष्टमी तो आज ये है, आज ज़्यादा लोग व्रत होंगे, आज ज़्यादा लोग मंदिर में आएंगे। मनोकामना तो इनकी जो भी मांगते हैं इनकी मनोकामना पूर्ण होती है, और पूर्ण होती है। लोग दूर दूर से आते हैं, बाहर से भी आते हैं लोग।